गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है व्लॉग, आप मिनी व्लॉग भी बोल सकते हो। तो जो भी मेरा एवरीडे का रूटीन रहता है मोस्टली वही मैं आज आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि आज मैं घर पे थी, फ्री थी, छुट्टी पे थी, तो मुझे लगा चलो आज से शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देती हूँ आपको। मेरा नाम हिना है और मेरे चैनल पर आपको स्किन केयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, अनबॉक्सिंग से रिलेटेड या फिर किसी प्रोडक्ट के रिव्यू से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये बेड, और मुझे ना ये पिलो कवर और बेडशीट चेंज करना था। और ये जो बेडशीट पिलो कवर है ना, ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया था, कुछ 200 समथिंग रुपीज़ में मुझे ये मिला था, जो कि काफ़ी अच्छी डील लगी मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डेली यूज़ के लिए काम चल जाएगा। बाकी का भी जो मेस है, डस्टिंग वगैरह है, उसको मैं अभी क्लियर करूँगी, सब कुछ क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ भिंडी आलू की सब्ज़ी एंड रोटी या पराठा मुझे बनाऊंगी उनमें से। बट उससे पहले ये सारा किचन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास सिंगल स्लैब का ही किचन है तो बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। आपको अगला काम करने के लिए पहले का मेस जो है सारा क्लीन करना ही पड़ता है। और मैं सच कहूँ ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है घर के काम करने में, क्लीनिंग वगैरह है, कुकिंग वगैरह है, सब कुछ। देखो जॉब तो जो है वो काम है ही, लेकिन घर पर भी मुझे अपना ध्यान रखना, घर को इंटैक्ट रखना भी मुझे पसंद है। और मैं ना सुबह सुबह सारे काम मोस्टली निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर जब आप काम से वापस आते हो, जॉब से वापस आते हो ना, तो थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम आपको मिल जाता है। क्योंकि घर साफ सुथरा रहता है तो एटलीस्ट आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो। अगर घर गंदा पड़ा हुआ है ना, तो फिर आपसे रेस्ट भी नहीं किया जाता, मतलब सारा ध्यान यही रहता है कि यार अभी ये भी करना है, वो भी करना है। और यहाँ पे जो है ना, मैं ये चाय नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ ये हेयर वॉश के लिए पानी। तो ये चाय पत्ती का पानी है, और यहाँ पर ना क्योंकि हार्ड वाटर सप्लाई होता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरे बाल जो है डैमेज हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है। तो कुछ टाइम से मैं ये रेमेडीज़ जो है यूज़ कर रही हूँ अपने बालों में, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे साथ साथ में मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की, एंड लंच में बन रहा है कद्दू की सब्ज़ी एंड राइस। ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पे ना कद्दू वैसा नहीं मिलता यार जो मतलब मेरे यहाँ पे मिलता था। लाइक मैं उत्तराखंड से हूँ, पहाड़ी हूँ, और पहाड़ी कद्दू का जो टेस्ट होता है ना यार, वो कमाल का होता है। जो लोग भी उत्तराखंड से हैं, पहाड़ी हैं, प्लीज़ मेरे चैनल पर, मेरे कॉमेंट बॉक्स में आके कॉमेंट ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना। और सिर्फ कद्दू ही नहीं, और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो पहाड़ी बहुत फेमस हैं, लाइक कापा है, डुबके हैं, गोहत है, चुड़कानी है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। आई नो बाकी लोगों को ये नाम बहुत वियर्ड लग रहे होंगे, लेकिन पहाड़ी लोग जो हैं वो डेफिनेटली रिलेट करेंगे इन नामों से। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी दोनों चीज़ें जो हैं चूल्हे पे चढ़ चुकी हैं, और बाकी क्लीनिंग भी मेरे साथ साथ में चालू रहती है। तो अभी इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, और नहा के अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। और आप देख सकते हो मेरे फेस में ना कुछ पिंपल्स वगैरह निकल आए हैं, इतने मोटे मोटे पिंपल्स ना मुझे बहुत टाइम बाद होने, लाइक सालों पहले मुझे ऐसे पिंपल्स हुआ करते थे, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं है, दो चार ही हैं। शायद मैंने मीठा बहुत खाया है इस वजह से मुझे ये निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और अभी ना मैंने अपनी स्किन को बिल्कुल छुट्टी दी हुई है किसी भी केमिकल से, कोई स्किन केयर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ घर पर, मैं सिर्फ ये DIY सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अगर आप जानना चाहते हो मैंने कैसे बनाया, तो प्लीज़ कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ये जो बैंडेज है ना, ये पूरा गीला हो गया। कल मुझे ना, मैं कल वीडियो बनाने बैठी थी, और पता नहीं मैंने क्या उठाने के लिए बेड की तरफ हाथ बढ़ाया, और मेरे ये हुआ है, मतलब बेड से जो बेड का जो कोना होता है ना, वो पूरा उससे मेरा हाथ जो है स्क्रैच हो गया, पूरी स्किन निकल गई, और बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ब्लीडिंग होने लगी, फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। और अभी लंच मेरा रेडी हो गया है, मैं करने लगी हूँ, और उसके बाद मैं गई थी सोने। और अभी मैं शाम को 6:15 बजे के करीब उठ रही हूँ, और अब बनेगी चाय। वैसे मुझे चाय ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, सुबह मॉर्निंग में मुझे बस ब्रेकफास्ट में चाय चाहिए होती है, बट अभी आज थोड़ा सा मौसम अच्छा सा हो रखा है, और मुझे लगा चलो आज पी लेते हैं यार, क्या क्या ही फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा कभी कभार चलता है। और चाय वगैरह जो है ना यार, मतलब बहुत से लोग चीनी डाल के नहीं पीते, बट मुझे बिना चीनी की चाय बिल्कुल भी मुझसे नहीं पी जाती है। मैं कोशिश कर रही हूँ ये सब करने की, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट एकदम से मैं नहीं कर पाऊँगी, आई नो। और उसके बाद चाय लेके मैं चली गई थी बैल्कनी में, एंड बैल्कनी में जो है मेरे कपड़े भी सूख रहे थे, बहुत छोटी सी बैल्कनी है, बिल्कुल भी जगह नहीं होती है यहाँ पे, कपड़े वपड़े सुखा लो ना तो एकदम भर जाती है। एंड उसके बाद जो है ना, ये इस तरीके से बस मैं बाहर देख रही हूँ, एंड ये जो रास्ता है ना, यहाँ पे मोस्टली मैं वॉक करती हूँ शाम के टाइम पे, या फिर कभी जब मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। एंड ये जो आपको यहाँ पे एक दिख रहा है ना, ये डॉग बैठा हुआ है, और ये इतना प्यारा, इतना क्यूट है ना, इसकी हरकतें मैं आपको कभी दिखाऊँगी ना, आप हैरान रह जाओगे, ये इतना प्यारा, इतना समझदार डॉग है। तो गाइज़ मैं तो कर रही हूँ अपनी चाय इन्जॉय, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।